भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। आइए हमारा विशेष कार्यक्रम मां भारती का वंदन, मां भारती के इस वंदन के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मित्रों, मां भारती का वंदन अभिनंदन इस भारत भूमि पर इस कार्यक्रम के सहयोगी है नाइन्थ इंश्योरेंस लैंडमार्क। अनगिनत ऋषि मुनि तपस्वी वीर शिरोमणि वीरांगनाएं जिन्होंने अपने तप के बल पर इस राष्ट्र समाज और देश को बहुत कुछ अर्पित किया, समर्पित किया। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़कर देश को आजाद करवाया, यह भी एक तप है, तपस्या है। और ठीक इस देश के ऋषि मुनि तपस्वी इस राष्ट्र को अक्षुण रखने के लिए, राष्ट्र में धर्म की ध्वजा फैलाने के लिए, राष्ट्र में इस धर्म को अखंड रखने के लिए, अक्षुण रखने के लिए सदैव धर्म की जय जयकार, धर्म की पताका जनमन में स्थापित करने के लिए सदैव सदैव अपने आप को खपा दिया। ऐसे ही एक संत की एक ऐसी जबरदस्त ऐतिहासिक गाथा है। मित्रों, कई लोग जानते हैं, केवल इतना ही जानते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर केवल केवल पुष्कर में है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे ब्रह्मा जी के इस सृष्टि में छोटे मोटे 24 से ऊपर मंदिर हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर पुष्कर का गिना जाता है, क्योंकि वहां पर ब्रह्मा जी ने पुष्प गिराया और वो पुष्कर बन गया। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत भूमि पर एक ऐसा ब्रह्मा जी का मंदिर जहां पर विश्व का अद्वितीय तीर्थ स्थल कहे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, ब्रह्मधाम के नाम से आज जाना जाता है। जिस संत ने 12 साल तक तपस्या करके, 12 साल तक बिना अन्न जल ग्रहण किए और साक्षात ब्रह्मा जी को इस धरती पर, पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में उतारा, वह है ब्रह्मधाम आसोतरा बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास राजस्थान में, और उस महान संत का नाम है संत श्री खेतेश्वर। आइए मित्रों, संत खेतेश्वर का आज अभिनंदन करना चाहेंगे। संत खेतेश्वर के चरणों में हम वंदन करना चाहेंगे। मां भारती का इस कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं। और वैसे मित्रों, मैं बता दूं आपको, आने वाले रविवार को मैं स्वयं ब्रह्मधाम आसोतरा, जिनके तपोनिष्ठ संत खेतेश्वर के तपोनिष्ठ संत, उनके शिष्य श्री तुलसाराम जी महाराज वहीं पर चतुर्मास विराजे हैं, उनके दर्शन हेतु संत खेतेश्वर का भव्य वहां पर बैकुंठ धाम बना हुआ है, उनके दर्शनार्थ। और संत खेतेश्वर ने ब्रह्मा जी का मंदिर वहां बनाकर के साक्षात ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठापित किया, उनके दर्शन। डॉक्टर ध्यानाराम जी जो तुलसाराम जी महाराज के शिष्य है, वो भी समाज सेवा में पूर्णतः जुटे हुए हैं, उन सब संतों के दर्शनार्थ रविवार को सुबह मैं स्वयं वहां उपस्थित होऊंगा। ब्रह्मलीन श्री केताराम जी महाराज को ये आज का कार्यक्रम समर्पित। मित्रों, एक छोटी सी भूमिका बता दूं आपको मैं, कि मुकंद उनका एक घोड़ा था और वो हमेशा श्वेत वस्त्र पहनते थे, तो वो दृश्य इस कवि की कल्पना में, इस कवि के दृश्य में आया, लिखने की कोशिश की गई कि मुकंद की सवारी, मुकंद की सवारी और चेत वस्त्र धारी, नित संत सुखकारी, ये खेते से अवतारी हैं। कि मुकंद की सवारी और चेत वस्त्र धारी, नित संत सुखकारी, ये खेते से अवतारी हैं। कि गले रुद्राक्ष माला, गले रुद्राक्ष माला, सिर सेठ पेटा धारी, ब्रह्मा अंग अंग में बिराजे गुरु ज्ञान धारी है, ब्रह्मा अंग अंग में बिराजे गुरु ज्ञान धारी है। दानियों को दान भारी देते ब्रह्म अवतारी, दानियों को दान भारी देते ब्रह्म अवतारी, तीन लोक का ये अखंड ब्रह्मचारी है, तीन लोक का ये नाथ अखंड ब्रह्मचारी है। मित्रों, ऐसे संत का बार बार वंदन और मंदन, वंदन करने का मन सदैव करता है। प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय संत केताराम जी महाराज, जिन्होंने एक ऐसी
सृष्टि पर एक ऐसा कार्य किया है जो भूतों ने भविष्यति। इसीलिए ऐसे संत को आह्वान करना चाहता हूं मैं, हे खेतेश्वर, हे खेतेश्वर एकता के सूत्रधार, हे खेतेश्वर एकता के सूत्रधार, दिव्य पुंज मंत्र का युग युगांत फैले यस, दिव्य पुंज मंत्र का युग युगांत फैले यस, यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, हे मां मुनि करुणा के गुणी तपस्वी राज जान आपके तेज को ब्रह्मांड कर रहा नाच। हे संत शिरोमणि मानवता के पोषक, हे संत शिरोमणि मानवता के पोषक, सत्य के उद्घोषक, इच्छा मन पूर्ति दया की अनन्य मूर्ति, अरे जब तक सूर्य चांद तारे यश की घटाए छाए, ब्रह्म धाम पुष्प खिलता रहे, और हे गुरुवर पूरे विश्व को आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जय खेतेश्वर। और इसी के साथ जनकवि विश्व सिंह क्रांति को दीजिए इजाजत। शुभ समय। ऑनलाइन न्यूज चैनल भारत का पहला वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन टॉप ग्रोइंग न्यूज चैनल है, ss news.in पर आप देखते रहिए, और फिर हम नए विषय को लेकर के आएंगे। तब तक जनकवि विश्व सिंह क्रांति को दीजिए इजाजत। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे गो मातरम, और जय हिंद।